नमस्कार मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों, बहनों। इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी ये विवशता है कि इस देश की हालत पर जो मेरी चिंतन है उसको अपने विचारों में व्यक्त करूं। मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि बहुत से आंदोलन इस भारत के द्वारा चलाया गया। सबसे प्रथम जो आंदोलन थे उसको हमने देखा है। वहां पर हमने देखा कि हमारा देश एक नहीं हो पाया था, जिसके कारण असफलता हमारे हाथ लगी थी। और उसके बाद जो आंदोलन हमारे देश के द्वारा चलाया गया, सबसे अंतिम में वो थी 1942 का आंदोलन, जहां पर सभी वर्ग के लोग एक साथ आए थे और आज़ादी के लिए उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और जो अंजाम आया सामने वो ये था कि 200 साल बाद अंग्रेज़ों से हमारे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी और हमारे देश में तिरंगा लहराया था। मेरे अजीज़ों, आज भी एक आंदोलन इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध में चलाया गया है, जिसमें हम सभी ने भाग लेना है। हमारे देश के चुने हुए नेता लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हमने उनके आदेशों का पालन करना है और अपने घरों में रहना है और पूरी सावधानियां हमें बरतना अवश्य है। मेरे लोगों, याद रखें कि वो एक आंदोलन था जिसको चलाकर हमने आज़ादी प्राप्त कर ली थी और उस वक्त हम घरों से बाहर निकले थे, लेकिन आज ये आंदोलन है जो हमने घर पर रहकर आज़ादी को प्राप्त करना है। मेरे अजीज़ों, ये तभी संभव होगा जब हम अपने अगुओं की बातें मानेंगे, अपने अगुओं के निर्देशों के अनुसार हमारे जीवनों को चलाएंगे। मेरे अजीज़ों, ये समय है कि हम एक साथ आए और इस आंदोलन में भाग ले और अवश्य है कि एक दिन विजय हमारे हाथ लगेगी और अवश्य है कि इस बीमारी को, COVID-19 को इस देश से जाना पड़ेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।